हेलो दोस्तों, मैंने अभी लेके आया सैमसंग A31। इस फ़ोन का मदरबोर्ड में जो कनेक्टर लगा है, ये कनेक्टर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। देखो यहाँ पे, किसी भाई ने जम्पर करने का कोशिश किया, लेकिन जम्पर करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इसको डायरेक्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, देखो मेरा ये वीडियो। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। कनेक्टर को निकालने के बाद में आपको करना क्या है, थोड़ा सा पेस्ट लगा के सोल्डर करना है आयरन से। सेम टू सेम इसी तरह आयरन से सोल्डरिंग करना है। इसका एक फायदा ये है, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग कनेक्टर लगाएगा तुरंत लग जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग आईसी बैठाते हैं सेम टू सेम इसी तरह रंग लगाना है। और मेरे पास एक कनेक्टर है, मैंने दूसरा मदरबोर्ड से निकला है, आपको दिखाएगा अभी कनेक्टर। देखो मेरा हाथ में, इस कनेक्टर को अभी हम लोग इसमें फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो कनेक्टर लगाने से पहले थोड़ा सा पेस्ट लगा देना है मदरबोर्ड में, थोड़ा सा ही लगाना है, ठीक है, ज़्यादा मत लगाओ। और इसको ऊपर में बैठा दो और हम लोग ब्लोअर से हिट देंगे इसका पीछे तरफ, ठीक है। अगर पीछे तरफ इसका आईसी रहता है तो ऊपर से हिट करना पड़ेगा कनेक्टर के ऊपर में ही। अगर आईसी नहीं होता है तो पीछे साइड में हम लोग हिट करेंगे। तो इसके पीछे साइड में आईसी नहीं है, यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा दो एक डायट वगैरह ये सब है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम लोग क्या करेगा, नीचे साइड में इसका हिट मारेंगे और ऊपर कनेक्टर को ट्वीजर से हिला के देखना है अच्छा से बैठा है कि नहीं, ठीक है। जैसे आईसी लगाता है सेम टू सेम इसी तरह। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन कम हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा हीट मत दो नहीं तो आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ट्वीजर से हिला के चेक करना है, देखना है हर एक जॉइन अच्छे से जुड़ गया कि नहीं, ठीक है। इस कनेक्टर के ऊपर में हिट देने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। कनेक्टर के ऊपर में अगर आप लोग हिट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा के हिट करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कनेक्टर का कभी भी डैमेज नहीं होगा, ठीक है।
मुझे लग रहा है ये कनेक्टर अच्छे से नहीं बैठा है, थोड़ा सा साइड हो गया है। तो अभी हम लोग ऊपर से हिट करके इसको ठीक करेंगे। हिट करने से पहले थोड़ा सा पेस्ट लगाना है कनेक्टर के ऊपर में। ट्वीजर से ज़्यादा सिर खड़े मत करो, आराम से, ठीक है, आराम से देखो, ये ऑटोमेटिक अपने जगह पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह लगाना है। अगर मान लीजिए कनेक्टर का नीचे साइड में आईसी है, तब तो आपको ऊपर में ही लगाना पड़ेगा, कनेक्टर के ऊपर से ही हिट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हिट करो, 100% कम सक्सेस होगा। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रख दीजिए मेरे चैनल को। तो दोस्तों अब चेक करते हैं, देखते हैं ये मेरा काम सक्सेस हुआ कि नहीं। 100% होना चाहिए क्योंकि ये अभी बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। ऑन हो गया, यहाँ पे देखो आ गया, 100% आ गया, ठीक है। दोस्तों इसी तरह से काम करते रहो और प्लीज़ दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इतना मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही आसान है। कोशिश करो, ट्राई करो, करते रहो, कभी ना कभी 100% सक्सेस हो गई। ट्राई करते रहो। फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।